हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शन इंडिया। तो एक बार फिर से हम एक और वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं और ये वीडियो होने वाला है हसल फोर का। तो हसल फोर में काफी अच्छे अच्छे जो है रैप सॉन्ग आ रहे हैं इस बार भी। वैसे यस, पिछली बार जो आया था हमें केडन वेडन का लगा था, पर इस बार अभी एक पारदर्शी हाँ पारदर्शी सुना है। अब हम एक आज टाइटल थोड़ा यूनिक है, कोठी बंगले वाली करके। कोठी बंगले वाली है, कानफोर्ड म्यूजिक। हाँ, कानफोर्ड म्यूजिक होने वाला भाई। मैट्रिक है, अब नाम है मैट्रिक, आई डोंट नो क्या है। पहली बार हम सॉन्ग सुनेंगे तो ऐसे भी एमटीवी हसल में जब भी नया सीजन आता है कोई धमाल मचाता है उस भाई। सीजन एक एक रैपर आते हैं और निकलते भी तगड़े तगड़े रैपर हैं और इतना टैलेंट भरा हुआ लोगों के ऊपर क्या ही बोले। जैसे पिछली बार पैराडॉक्स के मुझे बहुत बेहतरीन लगे थे और इस बार भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो भाई निकल के आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कानफोर्ड म्यूजिक में क्या होने वाला है। तो स्टार्ट। स्टार्टिंग हुआ है ना ये मतलब और बात बिल्कुल मतलब ऐसे वाले रैप होते थे जल्दी जल्दी से, ये सॉन्ग वाला रैप लग रहा है ना, बिल्कुल सॉन्ग वाली वाइब थोड़ा दे रहा है लव मुझे। वाला है, हाँ कोठी बंगले वाली करके है तो मे भी अभी आने वाला है भाई, लेकिन स्टार्टिंग बहुत अच्छा। भाई साहब Now I can understand why it's going viral. मतलब मैंने सोचा था इस बार कि कैसे लोग आए होंगे। इस बार हसल में मुझे ऐसे कुछ फेमस नहीं दिख रहा, करके मैं बात भी कर रही थी तुमसे इस बारे में, लेकिन अब मुझे पता चला है यहाँ तो एक से बढ़कर एक आ रखे। कल हमने सुना था एक सॉन्ग, आज फिर से हमने सुना मैट्रिक का, तो ऑसम था बिल्कुल, मुझे तो लव वो वाली वाला वाइब भी थी। मुझे पारदर्शी भी अच्छा लगा। पारदर्शी में बोलते थे एक से बढ़कर एक मतलब आए हैं टैलेंट। यस, काफी अच्छा लगा मुझे। साथ में ये कोठी बंगले वाली भी काफी अच्छा लगा, मतलब हाँ थोड़ा फन
फनी भी था और मतलब काफी रोमांटिक वाला सॉन्ग है ना, मुझे संस्कारी लड़की चाहिए ये वो मतलब कोठी बंगले वाली, काफी अच्छा था यार, लिरिक्स काफी अच्छे थे और बीच में उसने पुष्पा वाला भी लिरिक्स डाल दिया था, ट्रेंडिंग पे है ना भाई, क्योंकि आज के टाइम में अगर दो लव बर्ड्स का नाम लिया जाता तो उसमें पुष्पा श्रीवल्ली भी आती ही आती है, तो दैट इज द पार्ट, मतलब लोग उसको एज अ यूज करते हैं एज अ मतलब रोमांटिक में, तो काफी अच्छा सॉन्ग था ये कानपुर म्यूजिक कोठी बंगले वाली, तो काफी मैट ट्रिप ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, काफी अच्छा ऑडियंस मतलब अच्छा लगा, बहुत बहुत प्यारा सॉन्ग था, आई होप आप सभी को भी पसंद आया होगा, क्योंकि इससे पहले हमने जो पारदर्शी सॉन्ग सुना था वो भी अच्छा था, मतलब अभी तक हमने हसल के जितने भी देखे हैं हमें कोई ऐसा बुरा नहीं लगा कि भाई ये नहीं यार एवरेज था, मजा आता भाई, सारे में सारे बेहतरीन है और सब कहाँ कहाँ से ये लोग पकड़ के लाते हैं पता नहीं, बट भाई छुपा है लोगों में क्या ही बोले, तो आई होप ऑडियंस हमें काफी अच्छा लगा सॉन्ग, और हम मैट्रिक के और भी सॉन्ग से मतलब शुरू ही हुआ है तो अभी और भी सॉन्ग आएंगे, देखते हैं कैसे सॉन्ग आते हैं ना, और मैं लोगों से एक रिकमेंड करना चाहूंगा कि रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग हमें रिकमेंड करें, मैं को रिकमेंड क्या करना है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोग रिकमेंड करें हमें कोई ऐसा हसल का सॉन्ग जो भी समझ मतलब इस सीजन आया और जो हमें पता ना हो, हाँ। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि वी आर गोना रिएक्ट ऑन दिस सॉन्ग अगर आप हमें कमेंट करते हैं, ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल जो नया चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस पर भी आप जाइए, तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।